हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है, जो कि आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको, फेडर फर्स्ट ईयर की है। और इसमें हम आज कुछ कवर करना स्टार्ट, कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों की एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है और आप लोग अपनी प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिए। फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक करते रहिए। जितने भी फिटर की वीडियो हैं फर्स्ट ईयर की, वो प्लेलिस्ट मिलती रहेंगी, ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। आपके जो भी यार दोस्त हों उनको इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। आपके जो भी ग्रुप हों उन वीडियो में शेयर कर देना है। इन क्वेश्चन से बाहर थ्योरी में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जब हमारा एग्ज़ाम होगा, पिछली बार भी हम सेंटर पे गए थे फिर लाइव आए थे, इस बार भी हम सेंटर पे जाकर लाइव आपको करेंगे, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, बस आप लोग इन वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, प्लेलिस्ट में देखते रहिए। और साथियों, नेक्स्ट वीडियो के लिए और रेलवे लोको पायलट की हम तैयारी करवाएंगे, जिसकी 60,000 वैकेंसी आएगी आईटीआई वालों की, उसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लो। चलिए साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से, और सभी साथी साथ में कमेंट करेंगे। सभी साथियों, न्यू अपडेटेड पीडीएफ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करेंगे 71 नंबर से। उस कैलिबर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होती है। तो बताइए जल्दी सभी लोग, जेनी कैलिबर की, इनसाइड कैलिबर की, आउटसाइड कैलिबर या स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से। सभी साथी बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने ए आंसर लगा दिया है। क्या ए ऑप्शन? बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, जो भी 71 का ए लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो धुआं धुआं करके आना है। बताइए चित्र में देखना है, और इस चित्र में एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, ये बताना है इसको क्या बोलते हैं, नट, स्नग या फिर स्पेंडल या स्क्राइबर। जल्दी से सभी लोग बताइए कमेंट करके, 72 नंबर का कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, इसने बोलते हैं स्नग, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाए। अगर एग्जाम में आ जाए तो बी ऑप्शन लगा के आना है। अगला क्वेश्चन साथियों, संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट एक्स के रूप में चिन्हित है, यहां पर मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए, ये इसे बताना है, इसे क्या कहेंगे। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, वेबॉल हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड, जल्दी सभी लोग कमेंट करो। 73 नंबर का काफी लोग लगा रहे हैं डी, बहुत बढ़िया, प्रोटेक्टर हेड, प्रोडक्टर है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 73 नंबर का। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, एड एज डेटम, बिंदु डेटम, केंद्र रेखा डेटम, संदर्भ रेखा डेटम। चलिए सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, 74 नंबर का क्या लगाओगे आप लोग। 74 का नंबर बहुत बढ़िया, एज डेटम, बिल्कुल सही, 74 का ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है, देख लीजिए इस समांतर ब्लॉक का क्या नाम है। चलिए थोड़ा सा साफ अगर नहीं दिख रहा है तो YouTube से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, 360 या 480 में क्वालिटी में कर लो, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। चलिए आंसर करिए इसका 75 का, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि मैं हटा दूँ इसको, इसे बोलेंगे समायोजन या समायोज्य समांतर ब्लॉक, यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लो यूट्यूब से, 480 कर लो, अब पढ़ना है कुछ नहीं करना फालतू, अगर 15 दिन आपने पढ़ लिया तो कम से कम 90% बन जाएगी मेरे दोस्त, 15 दिन, तो नेट का टेंशन मत लीजिए, क्वालिटी अच्छी कर लीजिए और साफ दिखाई देगा आप लोगों को। चलिए ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, कौन से मटेरियल का प्रयोग करेंगे, तो सभी साथ इसका आंसर कर देंगे, सर उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 76 का सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग जल्दी से देखिए, कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, बताइए फ्लैट छेनी, डायमंड
पॉइंट छेनी या क्रॉस कट छेनी, हाफ राउंड छेनी। जल्दी सभी लोग 77 का कमेंट करेंगे, सभी ट्रेनी 77 का कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, डायमंड छेनी बिल्कुल सही, डायमंड पॉइंट छेनी बी ऑप्शन 77 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। किस फाइल में एक दिशा के दांते कटे होते हैं, एक दिशा में किसके कटे होते हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 78 अगर आपको आता है तो ठीक है, सिंगल कट फाइल, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन जो साथी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत शानदार आगाज करते हैं आगे। क्वेश्चन ये रहा मेरे साथियों, क्वेश्चन ये रहा है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? हैंडल फाइल, वस्टर्ड फाइल, रस्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 79 का बहुत बढ़िया, रस्प कट फाइल सी ऑप्शन सभी साथी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा और टफ क्वेश्चन। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा वेवल किया जाता है? तो बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा 480 क्वालिटी में कर लीजिए, वीडियो साफ दिखेगी। चलिए बहुत बढ़िया, सी और बी ऑप्शन, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन आगे, ये रहा क्वेश्चन, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? बताइए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, 81 का डी ऑप्शन, 0.80 mm डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? 82 का बहुत बढ़िया, सतह पर गड्ढा कर देगी, बिल्कुल सही। जब वो अधिक होगी तो क्या कर देगी? सतह पर गड्ढा कर देगी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? मेरे दोस्त लॉलीपॉप क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे वाल पिन हैमर, बी ऑप्शन इसका 83 का बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन लगा रहे हो तो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ये रिवीजन है, 15 दिन में जिसने कुछ मेहनत बटोर ली वो दोस्तों कम से कम 90% ले आएगा थ्योरी में। और जब अप्रेंटिस करोगे, जब कम नंबर आएंगे फिर बोलोगे हमारे नंबर ही कम आए, तो पढ़ना तो मेरे दोस्त पड़ेगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन के काटने की गति की इकाई क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे क्या गति है, जल्दी से 84 का कमेंट करिए, वो हो जाएगी MIN, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 84 का सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, ड्रिल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? लिप, लेड, फ्लैक या वेब? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 85 का हमारा सही ऑप्शन काफ़ी लोग लगा रहे हैं, 85 का बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग लगा रहे हैं लिप, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 85 का ए ऑप्शन। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, ड्रिलिंग मशीन में एक्स रूप में चिन्हित भाग को बताना है, इस भाग को क्या कहते हैं? सब बोलेंगे सर इस भाग को हम कहते हैं ड्रिल चक्र, ड्रिल चक्र, यानी कि 86 का ए ऑप्शन बहुत शानदार, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? अब बताइए माइनर व्यास क्या है? सभी लोग, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है 87 का डी ऑप्शन, काफ़ी लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं। क्या माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 × गहराई? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, इसको दिमाग में बिठा लो, ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 88 नंबर देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित एक्स भाग के रूप में ये क्या है? माइक्रोमीटर है। बताइए बताइए जल्दी से इसको भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, उसको नहीं, एक मिनट, उसको तो अलग कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं बताइए? सभी लोग करेंगे 88 का, हाँ बिल्कुल थिम्बल, बहुत सही, सी ऑप्शन, थिम्बल वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, आउटसाइड जो 50 से लेकर 75 mm की आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? बताइए उस रीडिंग को क्या कितनी होती है? बताइए 89 का बहुत बढ़िया, 63.63 यानी कह सकते हैं 63.63 mm, ठीक है, ए ऑप्शन, 89 का ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करिए सभी लोग, एक्स के रूप में बताना, एक्स के रूप में, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे,
बताइए अगर ये इस तरीके डायग्राम आ जाए और एक्स यही आएंगे सेम क्वेश्चन, नई अपडेटेड पीडीएफ धुआं धुआं कर देना भाई एग्जाम में इस बार। बहुत बढ़िया, फाइनिंग एडजस्टिंग स्लाइड, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, ठीक है, 90 का डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन साथियों ये रहा, ये बेंच बॉयज है हमारी, इस बॉयज का नाम क्या है, क्या है जल्दी से बताइए, हमने बता दिया यार आंसर मेरे मुंह से ही निकल गया। 91 का बताइए सभी लोग, 91 का बताएंगे, 91 का ये डाउट में है, वेंच बॉयज है, आपने देखी होगी, लेकिन निमी जो है इसको डी ऑप्शन लगा रहा है, तो आप बी और सी, बी और डी में से कोई आपको अगर लगता है तो आप लगा लें, ठीक है। वैसे हमने तो ये फिटर में और फिटर में वेल्डर में लगी हुई देखी, इसे वेंच बॉयज बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, डी क्विक रिलीजिंग बॉयज है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना इसका 91 का क्या सही होगा, ठीक है, थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, चलिए ये बताइए, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो बताना, टिप हिल टैंग सेफ एज क्या बोलते हैं सभी लोग, बहुत सेफ सेल सेफ एज, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, देखो वीडियो मैं सोच रहा हूँ बड़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके अब नज़दीक है, अब की बार जो वीडियो आएगी वो खल्लास होगी फिटर थ्योरी की, अब की बार मैं पूरी कोशिश करूंगा एक वीडियो में ख़त्म करने की, ठीक है, टेंशन मत लेना आप की बार। चलिए ठीक है, ये हो चुका हमारा डी ऑप्शन, 93 देखते हैं, चलिए 93 जल्दी इस क्वेश्चन करेंगे जल्दी सब लोग, इस ऑपरेशन का नाम क्या है बताओ, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, 93 काफ़ी लोग लगा चुके हैं इसका आंसर, बताइए 93 का सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, समलता की जाँच करने के लिए होता है ये, ठीक है, एक तार है कि नहीं लेवल, और इसमें कितना यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कमेंट करिए, वो पहले क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग जल्दी से पढ़िए कमेंट, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोजिंग और कस्टिंग पर लगाया जाता है, बताइए बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, 94 का ए ऑप्शन, वाट वाइट बॉस, यानी कि इसका सही ऑप्शन 94 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फाइल ग्राइंडर, खुरचनी, ऑयल स्टोन, बताइए सभी लोग 95 का कमेंट करेंगे, ऑयल स्टोन, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, वेबॉल प्रोडक्टर का उपयोग किया जाता है, तो वेबॉल प्रोडक्टर का उपयोग कहां पर किया जाता है मेरे दोस्त, राइट ऑप्शन हो जाएगा 96 का सी ऑप्शन, कोण की मापन के लिए, कोण की मापन, 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, दिखाई गई फाइल का नाम दें, बताओ कौन सी फाइल है, दिखाई गई फाइल का नाम दें, ये कौन सी फाइल है, सभी लोग 97 कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, टिंकर फाइल, टिंकर फाइल, टिंकर फाइल, बी ऑप्शन, 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मिनट, 97 का बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखें, 98, ठीक है, जिसको अगर साफ नहीं दिखता है 480 में कर ले, यूट्यूब क्वालिटी सेटिंग में जाके, खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए किस वॉइस का प्रयोग करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पाइप वॉइस का प्रयोग करेंगे, पाइप वॉइस का प्रयोग करेंगे, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रेंटुइड और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड को किस पिच का उपयोग किया जाता है, कितने mm का होना चाहिए, बताइए 99 का कमेंट करेंगे सभी लोग, 0.8 mm, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, 99 का ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए 99 हो चुका, 100 नंबर ये रहा, 100 नंबर, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल काटने के लिए, बताइए सभी लोग, 100 का ऐसा करना, 100 नंबर का आप लोग हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज है, कहीं से भी कुछ भी करो, मुझे नहीं मालूम, इसका मुझे आंसर आप करके बताना, ठीक है,
चलिए कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क देंगे तो उससे ये पता लगेगा आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। चलो वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद कमेंट करना है, कहीं से भी गूगल कर लेना, उसको स्क्रीनशॉट मार लो और करके मुझे बताना है। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? पिनिंग, ग्लोजिंग, फाइल वाइट, वाइपिंग। बताइए सभी लोग कमेंट करिए, 101 का कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पिनिंग, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, शानदार। इस श्रेणी का नाम क्या है? बताइए इस श्रेणी का नाम क्या है मेरे दोस्त? सभी लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं इसको। बिल्कुल सही, वेव श्रेणी, बी ऑप्शन, 102 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतला दी जाती है? मतलब कि क्या है उतला दी जाती है, मतलब थोड़ा उभरा हुआ कर देते हैं, बताइए किस लिए कर देते हैं? 103 का बिल्कुल सही, किनारों की खुदाई के से बचने के लिए, बी ऑप्शन, किनारों की खुदाई से बचने के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा 103 का। जल्दी लगाओ बी ऑप्शन, बहुत सही, अब काफ़ी लोगों ने लगा दिया देख के। चलो अब लगाइए, बताइए इस हथौड़े का नाम क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस हथौड़े का कोई भी नाम नहीं बता सकता, बिल्कुल सही, क्रॉस पिन हथौड़ा या स्ट्रेट पिन हथौड़ा, बताइए कौन सा हो जाएगा? 104 का, बहुत बढ़िया, क्रॉस पिन हथौड़ा। अगर ये गोल होता तो बाल पिन हथौड़ा जाता, इसलिए अभी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या होता है? उनके बीच में जो कोण होता है उस कोण को क्या बोलते हैं? बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एंगल ऑफ कनेक्शन, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, 105 का डी ऑप्शन आप लगा रहे हो, देखो काफ़ी लोग, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 106, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थिति विकृति की अनुमति नहीं देती है? बताइए सभी लोग कमेंट करिए, 109 का, बहुत सॉरी 106 का कमेंट करिए, 106 का, बहुत शानदार, भंगुरता, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, बताइए जल्दी से, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना, देख लीजिए, कैप, लॉक, स्टॉक, थिम्बल, बताइए थिम्बल, थिम्बल, बताइए जल्दी सभी लोग, 107, बहुत बढ़िया, लॉक होता है, बी ऑप्शन, 107 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लॉक, लॉक कह सकते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, लॉक। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा 480 क्वालिटी में कर लो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, मुझसे जितना हो रहा है मैं आपको दे रहा हूँ, जितनी मेहनत मेरे से, जितनी एनर्जी है मेरे अंदर। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्बर किए जाते हैं? अलिंगनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, या स्ट्रेंथिंग के लिए, या ग्रिपिंग के लिए? जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, 108 का काफ़ी लोग लगाएंगे, क्या बी या फिर ए? बताइए बी या ए, बहुत बढ़िया, अनलिंग, अनलिंग मतलब ए ऑप्शन, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ चुका है, ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना, ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है? 109 का, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना लें, पिलर ड्रिलिंग मशीन है ये, ठीक है, क्या है? पिलर ड्रिलिंग मशीन, ए ऑप्शन दिमाग में बिठा लो इसको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, वह भारी माइक्रोमीटर वोल्टेज की रीडिंग क्या है? इसकी रीडिंग क्या है वो बतानी है, बताइए जल्दी से सभी लोग, 110 का कमेंट करेंगे सभी साथी ईमानदारी से, बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही, 0.359 सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी साथी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, वर्नियर वेवल प्रोडक्टर की सटीकता क्या है? बताओ, बताओ सटीकता क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे, 111 का क्या होगा? देखो डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगाएंगे हम इसका, सी ऑप्शन एकदम, पाँच पे इनवर्स मतलब कह सकते हैं कोमा लग जाएगा पाँच के ऊपर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है सी। चलिए 111 हो चुका, 112 नंबर क्वेश्चन, इस वर्नियर कैलीपर की रीडिंग क्या है? बताइए इसकी रीडिंग क्या है, पूरी रीडिंग बताइए इसकी क्या है, 112 का हो जाएगा बिल्कुल सही, 35.50 mm, ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, क्यों सतह फ्लैटों तनाव मुक्ति अच्छी कस्ट आयरन से बने होते हैं? मतलब क्यों बने होते हैं, चलिए कमेंट करिए, किस लिए बने होते हैं? बहुत शानदार, एक दो दो लोगों ने आंसर दिया इसका, बढ़िया, 113 का सी ऑप्शन लगा रहे हैं, विकृति को रोकने के लिए, बहुत सही,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन ये रहा, समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, इन सब का लाभ क्या बताइए 114 का। देखो, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज के लिए किस भाग का उपयोग सही पोजीशन स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन 115 का वो हो जाएगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये रहा, एक मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, तो हमेशा याद रखना जब भी एक मीटर को हम मिलीमीटर में बदलते हैं तो वो हो जाएगा 1000 mm, ठीक है। चलो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, जो जो पूछे मैं बताता रहूँगा आपको, अगर याद रहेगा मेरे को, कॉपी में लिख लिया मैंने जो जो क्वेश्चन आए थे। चलाइए, इस बी ब्लॉक के नाम का क्या आया था, ये देख लो बी ब्लॉक, इसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी नहीं है तो बट 480 में कर लो यूट्यूब से, बताइए 417 का वी ब्लॉक का नाम बताना है, 117 का बताइए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, और अगर आपको दिख रहा होगा क्वालिटी अगर आपने अच्छी कर रखी होगी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रीव वी ब्लॉक, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 118 नंबर देखते हैं, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, एक्स का रूप दिख रहा है आपको, वो तो दिख रहा होगा सभी लोगों को, दिख रहा होगा ये वाला, बताइए रूल स्क्राइबर क्लैप नट स्प्रिट लेवल 118 का, बी ऑप्शन स्क्राइबर, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 118 हो चुका। चलिए 119 देखते हैं, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है, बताइए कौन से कैलीपर का प्रयोग करते हैं, 119 का बताइए, जेनी कैलीपर, बी ऑप्शन। अब लगा रहे हैं आप लोग, हैं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो ही आपका भला होगा, अगर आप इन वीडियो को नहीं देख सकते हो और सब एक ही बात कहेंगे पीडीएफ दो, सब चिल्लाएं पीडीएफ पढ़ना कोई, ठीक है, इसलिए वो हिला मत रखो, इसलिए वीडियो को कान में ईयरफोन लगा के रिवीजन करो, अब यही समय है। मैंने ऐसे ही याद किया था जब मेरी 85% बनी थी ITI, लेकिन कहीं गलती रही, 90 क्रॉस करने का मेरा पूरा इस बार चांस था, लेकिन क्या करें, कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, वो नहीं होना चाहिए। छेनी में एक्स रूप में चिन्हित भाग का कोण का नाम क्या है, कोण के भाग को नाम बताना 120 का, बहुत बढ़िया, निकासी कोण बोलते हैं, क्लियरेंस कोण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, घुमादार ग्रूव वेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, कौन सी छेनी का प्रयोग करेंगे 121 का, हाफ राउंड छेनी का, हाफ राउंड नोच छेनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, 121 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है, मार्किंग करने वाले के लिए, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, और DGT का मोस्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन कह सकते हैं, 122, बिल्कुल सही, 250 ग्राम का होना चाहिए, कितना 250 ग्राम का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 122 का बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, उस प्रभाव क्या है उसे बताना है, 123 का बहुत सही, असमान फिनिशिंग सतह, ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124, विलेडेड जॉइंट और कस्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, कौन से छेनी का प्रयोग करेंगे,
124 का बहुत बढ़िया फ्लैट छेनी का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप याद रखना, फ्लैट छेनी का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, इस फाइल का नाम क्या है बताइए, इस फाइल का नाम क्या है, सभी लोग कमेंट करें इस फाइल का। हाँ बहुत सही, रोटरी फाइल, ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है, जो हमारा चेहरा होता है उस पर चौक क्यों लगाते हैं? तो आप बोलेंगे सर पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए उसके फेस पर चौक लगा देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है, बताइए क्या है? डी ऑप्शन कंस्ट्रूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। 127 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 128 नंबर देखते हैं। M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें, कितनी गणना होगी 128 की? बिल्कुल सही, 8.8 mm, ए ऑप्शन 128 का सही हो जाएगा। चलिए 129 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एक ड्रिलिंग में फ्लूटेस के बीच के भाग का नाम क्या है, उसके भाग को नाम को बताना है क्या? 129 का ए ऑप्शन, उसे लिप बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 130, इस वर्नियर वेवल प्रोडक्टर की रीडिंग क्या है, देख लो पूरा एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसा ही आएगा आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको करना पड़ेगा इसका आंसर। चलो आंसर मैं अब बता दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, सी ऑप्शन 157°30′। ठीक है, सी ऑप्शन लगा के आना एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, बताइए कौन सा करता है? 131 का, 131 का डी ऑप्शन, रचेट स्टॉप यानी कि डी ऑप्शन, 131 का डी ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। वर्नियर व्हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक एंटरगल पार्ट है, बताइए, कमेंट करिए फटाफट। 132 का बहुत बढ़िया, जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 133, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, बताइए माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? 133 का सभी लोग कमेंट करेंगे, 133 का बहुत शानदार, स्क्रू और नट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है तो 480 क्वालिटी कर लेना यूट्यूब पर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई कैसे मापा जा सकता है, किसके द्वारा? तो आप बोलेंगे सर एक्सटेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन लगा के आना एग्ज़ाम में 134 का। चलिए इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है, इंच में पूछी गई है, बताइए। चलो बताइए 135 का, बहुत बढ़िया, 0.787, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, मापने के दौरान वेवल प्रोडक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है, किसके कांटेक्ट में होता है? चलो 136 का कमेंट करिए, 136 का सी ऑप्शन ब्लेड, बहुत बढ़िया, बी सी। ठीक है, सी। आगे देखें 137 नंबर, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, तो विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए कमेंट करेंगे 137 का, बताइए स्टेप पुली, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सी ऑप्शन जो भी साथी लगा रहे हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पेडस्टल ग्राउंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, इस भाग को हमें बताना क्या है?
138 का, काफ़ी लोगों ने लगाया है 138 का ए ऑप्शन, टूल रेस्ट। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, टूल रेस्ट, बहुत शानदार ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन सेकंड लास्ट है हमारा इस वीडियो का, इस फाइल का नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे रफ्स कट फाइल 39 का बी ऑप्शन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो टूल बॉक्स वाले तो आपको आना चाहिए, जितने हमारे टूल होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, बताइए। 140 का बताइए सभी लोग, बहुत शानदार। स्पिंडल की क्षति हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों 140 तक हमारे ये फर्स्ट पीडीएफ है, अभी हमारी सेकंड पीडीएफ अभी नहीं करवाई है, लेकिन सेकंड पीडीएफ जब आएगी ना वो एक बार में आएगी। अभी इसको एक पार्ट और आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद सेकंड पीडीएफ का आपको एक वीडियो में कम्प्लीट मिल जाएगा, ख़त्म, फर्स्ट ईयर वालों का ख़त्म करके और फिर सेकंड ईयर वालों का देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और घंटी है उसको भी ऑल पर प्रेस कर लो, जो कि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। सब्सक्राइब करने को भी पैसे नहीं लगते हैं, घंटी दबाने को भी पैसे नहीं लगते हैं, जल्दी से दबाओ और अपने दोस्तों को भी दबाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।